लाइसेंस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसी के बेस पे मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों ने देखा, मैं सीधे एलिजिबल हो गया क्लास वाई देने के लिए। यहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग इन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल तो पूरा दिन हमारा निकल गया वैसे ही सब क्लीन करने में ही। कल ऑफिस भी मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचा था, वहां पे इंटरनेट का कुछ इश्यू चल रहा था, तो फिर हम लोग लेट स्टार्ट किया कल। और कल डेडलाइन थी तो मैं हाफ एन आवर लेट आया था घर। और घर आके भी फिर आपने देख लिया होगा कि बाहर जितनी स्नो हमारी बच चुकी थी वो सारी हमने क्लीन कर दी है। अभी ऑलमोस्ट दोनों साइड हमारे स्नो के पहाड़ बन चुके हैं, तो वो अभी निकलेंगे मार्च या फिर अप्रैल में। तो 25% ड्राइवे के ऊपर स्नो हमने जमा कर लिए, वो भी बड़े बड़े ऐसे ढेर हो गए हैं, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अभी जब वो निकलेंगे जब स्प्रिंग स्टार्ट होगा। अभी तो यही सिनारियो है, आज थर्सडे है, बाकी अभी स्नोफॉल की कोई वार्निंग है नहीं तो अच्छी बात है। बाकी टेम्परेचर ये वीकेंड पे बहुत ही ड्रॉप होने वाला है, अराउंड -35 नॉट फील्स लाइक ओरिजिनल टेम्परेचर -35 जाने वाला है, तो फील्स लाइक -45-47, जो कि लास्ट ईयर भी गया था दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम पे भी गया था और न्यू ईयर के अराउंड भी -45 टच किया था। तो होता है ऐसा, और उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं और मेरी वाइफ दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कॉम्यूट करते थे। अगर आप फुल्ली इक्विप हो, जैकेट वगैरह पहनी हो, जितना भी प्रोटेक्ट कर पाओ आप उतना प्रोटेक्ट किया हो आपने विंटर गियर से, आपका बचाव हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको कुछ भी अपना बॉडी का पार्ट खुला नहीं छोड़ना जिससे कि वो विंड टच करे, कहीं पे भी खाली जगह छोड़ दी तो वो जगह आपको दिक्कत करने लग जाएगी। अगर आप फुल्ली पैक्ड हो तो आप सेफ हो, आपको शेल्टर मिल जाएंगे अगर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो गए तो, इतने डरने वाली जरूरत है नहीं। वैसे हर कोई रहता ही है यहाँ पे, कुछ बंद नहीं होता। आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है +35, वहां से हम लोग यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली ठंड लगेगी, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है क्योंकि हम लोग कर पा रहे हैं तो हर कोई कर पाएगा। वैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली इमिग्रेंट्स, तो उनको इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग तो एक्साइटमेंट में निकाल देते हैं इनिशियल विंटर्स, क्योंकि उन लोगों को स्नो से खेलना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग है जो लोग अभी ये विंटर स्टॉर्म आए उसमें एक्साइटेड थे और बाहर निकल के खेल रहे थे, मतलब इतनी ठंड में। अगर आप बाहर भी निकल रहे हो फुल्ली इक्विप्ड होके जाओ। बाकी अभी चाय नाश्ता करने लगा हूँ, चाय नाश्ता करेंगे फिर चलेंगे अपने ऑफिस। लाइट्स करते हैं बंद और निकलते हैं। बाकी गाड़ी मैंने चालू कर दी थी क्योंकि गैराज में टेम्परेचर 2 डिग्री था, तो इंजन को थोड़ा वार्म अप कर देते हैं। तो मिलते हैं अभी शाम को, निकलते हैं। 8 hours later. Alright, so घर पे आ चुका हूँ और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे, -40 अभी चल रहे हैं और रात को -51 फील्स लाइक होने वाला है, और नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स पास होने वाला है, तो उसी की वजह से अल्बर्टा की तो हालत बहुत खराब है। नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट स्टार्टिंग में थोड़ा खराब दिख रहा है, बाकी उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और फॉलोइंग वीक में तो -6-7 दिखा रहा है, मतलब सिंगल डिजिट हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। बाकी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो कि डिटेल वीडियो है। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ड्राइवर्स लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे पहले नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो आपको SGI के सेंटर में जाके देना पड़ेगा। इसमें कुछ 40 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 20 थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए जो कि सिचुएशनल हो गए और 20 साइंस के रिगार्डिंग हो गए। उसकी प्रिपरेशन कहाँ करनी है वो भी आप, मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है उसमें लिंक वगैरह सब दे रखा है, और उसमें आपको मटेरियल भी मिल जाएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नॉलेज टेस्ट देने के लिए। वो नॉलेज टेस्ट 1 साल के लिए वैलिड रहती है, उसके बाद आपको फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपेयर होना पड़ता है जिसमें आपको रोड पे गाड़ी चलानी होगी, इंस्ट्रक्टर आपके साथ होगा, वो पास कर लोगे तो उसके बाद आपको
क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो। अगर आपके पास इतना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना हो, आपको यहाँ से नोवास 1 नोवास 2 करके उसका लाइसेंस मिलेगा। वो धीरे धीरे करके आपको फिर जितना आपका एक्सपीरियंस उसके हिसाब से 6 महीने 1 साल तक आपको ड्राइव करना पड़ेगा। अगर कोई भी पेनल्टी या फिर आपको टिकट्स ना मिले तो आप क्लास 5 लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं मोस्टली, बाकी प्रोविंस में मांगते हैं। बाकी पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मेरा लाइसेंस इश्यूड हुआ था 2010 को, 2010 में मुझे मिला था, तो मैंने वो दिखाया लाइसेंस तो मेरा तो वैलिड हो गया। मुझे कोई डीएल एक्सट्रैक्ट दिखाना नहीं पड़ा, जो कि मैं लेके भी आया था इंडिया से कि ले लेता हूँ, 20-25 रुपए का मिल जाता है। वो कैसे लेना है तो आप जो भी आरटीओ की वेबसाइट है वहां जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और आपको ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है उसकी। तो 20-25 रुपए का है तो लेके ही आओ, फिर मांगेंगे तो दे देंगे, नहीं मांगे तो भी क्या ही होगा। अगर मांग लिया गलती से तो कुछ होना चाहिए अपने पास दिखाने के लिए, तो लेके आओ। वैसे मेरे पास मांगा नहीं था क्योंकि एक्सपीरियंस था मेरा। और डीएल एक्सट्रैक्ट के साथ साथ अपना ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना, क्योंकि ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मैंने अपना ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस ही दिखा, मेरा ओरिजिनल लाइसेंस पे ही उन लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस देखा, मैं सीधे एलिजिबल हो गया क्लास 5 देने के लिए। तो मेरे नोवास 1 2 जो भी बीच के स्टेजेस होते हैं वो स्किप हो गए हैं। यही आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि ओरिजिनल अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आओ, डीएल एक्सट्रैक्ट भी लेके आओ, अगर मांगे तो देने के लिए होना चाहिए, एलिजिबल हो जाते हो। शायद से 2 साल पुराना लाइसेंस ऐसा कुछ रहता है, 1 साल या 2 साल पुराना। तो अगर आप एलिजिबल हो जाओगे तो सीधे आप क्लास 5 के लिए अपेयर हो सकते हो, और वो आप जब भी आप अपना क्लास 7 की मतलब नॉलेज टेस्ट देने जाओगे तब वहां जाके अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाना, जो भी आप लेके आ रहे हो ओरिजिनल, तो वो लोग वो ड्राइवर लाइसेंस आपका वैलिडेट करके दे देंगे और आपको बता देंगे कि 1 साल के अंदर आपको क्लास 5 के लिए अपेयर होना है, या फिर अगर आपको नोवास 1 2 के लिए अपेयर होना है तो वो भी आप लोगों को उसी टाइम बता देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, अपना ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना। वैलिडिटी की बात करें तो लाइसेंस की वैलिडिटी यहाँ पे, अगर आप पीआर पे आ रहे हो तो विद इन 3 मंथ्स आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। 3 मंथ्स के बाद आप यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप टेम्पररी वीजा लेके आ रहे हो, जैसे कि वर्क परमिट, स्टडी परमिट, तो जब तक कि आपका टेम्पररी वीजा वैलिड है तब तक आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर आप पीआर पे आ रहे हो तो विद इन 3 मंथ्स आपको अप्लाई कर देना है, 3 मंथ्स के बाद आप यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग रूल्स रहते हैं। बाकी मैं सस्केचवान की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आइडिया है क्या रूल्स अभी चल रहा है, तो यही शेयर करना था। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी मेरे पीछे स्नो भी बहुत जम चुका है, तो ये वीकेंड में कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, और मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।